जैसे प्रभु राम के लिए सेतु बनाने के लिए सारे वानर सेना और गिलहरी लगे थे, उसी में एक छोटी गिलहरी के रूप में मेरा एक छोटा सा एक प्रयास है, जिसमें राजपूत जी जिनका संगीत है और ये महक जी की कंपनी है, इसको लॉन्च कर रहे हैं लोग, गोरखपुर में इसकी शूटिंग हुई है। बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि पूरा विश्व का जितना मैं अपने जीवन काल को जानता हूँ, इतना बड़ा उत्सव ना विश्व में कभी हुआ था और ना कभी होगा, वो है 22 जनवरी को। तो उस 22 जनवरी का दिन पूरा विश्व इंतजार कर रहा है, हर लोग अपने घर में प्रभु राम के आस्था का एक दीपक जलाने वाले हैं। उस दिन ये गाना आएगा, ये फ्यूजन है, क्योंकि यंगस्टर्स को मोदी जी ने बहुत अट्रैक्ट किया है, हमारी यंगस्टर्स को अपनी पीढ़ी या मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनको पुरुषों में उत्तम क्यों कहते थे, तो वो सारी चीज़ों को जनवाने के लिए गाना है, जिसमें मैंने रैप गाया है, यूपी में सब बाग के बाद ये गाना आएगा मेरा, तो बड़ा लोगों में बड़ा इसका लोग काफ़ी उत्साहित है। आप जैसे समस्त मुंबई के जितने इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और फोटोग्राफर्स आए, मैं प्रणाम करता हूँ, आप लोग मुझे इतना प्यार दिए, मैं एक घंटे के लिए ही मुंबई आया हूँ, चूँकि अयोध्या में हमारी ड्यूटी वहाँ लगी है, हर मंदिर को हम लोगों को साफ करना है, धोना है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत से कहा है कि अपने यहाँ के मंदिर को साफ करें, आप उसको सफाई करें, दीपक जलाएं, क्योंकि पवित्र होता है, राक्षस भागते हैं, रावण भागेगा, रावण की मृत्यु होगी, अपने जीवन के राक्षसों को भगाना है तो राम के नाम का दीपक आप जरूर जलाएं। ये गाना मैं प्रधानमंत्री जी को भी जरूर भेजूंगा, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था सारे संगीत से जुड़े, सिनेमा से जुड़े लोगों को, कि आप लोग कृपया अगर राम भक्ति पर कोई गाना बनाते हैं तो ये गाना है, तो ये मैं कल सुबह में प्रधानमंत्री जी को भी पीएमओ ऑफिस में भी भेजूंगा, और जब उनका आशीर्वाद मिलेगा। अरे नहीं, ये इनको क्या कहूँ, अरे प्रभु, पहली बात तो बता दूँ आप सब लोगों को, इस मंदिर में एक रुपया भी भारत सरकार का, बीजेपी सरकार का, राज्य सरकार का, योगी सरकार का नहीं लगा है, पूरा पैसा एक एक पाई इस मंदिर में, जो भव्य मंदिर है, विराट है, वो पूरे भारत के राम भक्तों ने, आस्था में विश्वास करने वालों ने, विश्व के राम भक्तों ने, सनातनी विचारधारा के लोगों ने दिया है, ये चंदे से बना है, ये पार्टी का एक रुपया नहीं है, ये गलतफहमी निकाल दें विपक्षी, ये गलतफहमी फैलाना बंद करें, ये मंदिर राम भक्तों ने बनाया है, उनके चंदे से बना है, मेरा भी चंदा गया है, सबका चंदा गया है, तो ये आप जो देख रहे हैं, ये सारी धारणाओं को ध्वस्त करें, 22 को विश्व का सबसे बड़ा उत्सव, हाथ जोड़कर निवेदन है, उस दिन आस्था का दीपक अपने राम के नाम पे सब लोग घर जलाना, पूजा करना, रामायण सुनना, राम पाठ सुनना, आसपास के मंदिर में जाना, भजन कीर्तन करना, ये दृश्य कभी, और उस दिन धरती ज्वलित होगी, ऊर्जावान होगी, पेड़ पौधे चमकेंगे, आप देखिए ना 22 को क्या होने वाला। महक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य उत्सव के बारे में, इस गाने के बारे में? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रवि जी, एंड बहुत खुशी है कि आज हम इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, और राम जी के आगमन पे इतनी खुशी हो रही है हम लोगों को, और आप सब देख ही रहे हैं, इतनी खुशी मना रहे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन, और पूरे भारत के हर इंसान के लिए थैंक यू जो मेहनत कर रहे हैं, और आपकी म्यूजिक कंपनी को बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच रवि जी, आपने आवाज़ भी दी और इतनी एनर्जी के साथ में जो एक्ट आपने किया है ना, वो तारीफ काबिल। आज बहुत खुशी हो रही है मुझे, और बहन जी का भी अथक प्रयास रहा, मैं तो बना करके हट गया था, उसके बाद का बागडोर महाकिल संभाला है, जो कैप्टन हमारी कैप्टन रही, और आज का प्रोग्राम आपके सामने है, रवि जी ने अपना पूरा सहयोग दिया, माधव जी ने भी दिन रात मेहनत करके इस प्रोजेक्ट को पूरा किया है, हमारी पूरी टीम काफ़ी मेहनत की, हमने दो दिन में गाना बनाया, दो दिन में ही शूटिंग कम्प्लीट किया था, हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारी पूरी टीम के लिए कि इसको जल्द से जल्द खत्म करना है, रवि जी के पास भी टाइम नहीं था, फिर भी उन्होंने इस गाने को देख करके उन्होंने अपना पूरा समय दिया, पूरा योगदान दिया, और उसका परिणाम आज आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको ये गाना बहुत पसंद आएगा, अयोध्या के श्री राम, और मैं अपनी पूरी टीम को तहे दिल से बधाइयाँ देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और विशेष रूप से महक जी का म्यूजिक बॉक्स का
सर श्री मोंग श्री मोंग्स एंटरटेनमेंट मेरी कंपनी है। म्यूजिक बॉक्स के साथ टाइप करके हम लोगों ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि राम के नाम पे था, इसीलिए मैं सोचा अकेला से बढ़िया है कि कारवां लेके साथ चलें। और इतनी बड़ी महफिल और इतना बड़ा कारवां बना, आज मुझे दिल से प्रसन्नता भी हो रही है कि हमने एक अच्छा काम किया है प्रभु राम के चरणों में। हमारी छोटी सी एक भेंट है, अयोध्या जाके तो नहीं कर पाए, बट यहाँ से श्री राम का हम ध्यान करते हुए एक बार बोलते हैं जय श्री राम। और आप लोग से आदेश करता हूँ कि आप लोग भी बोले हमारे साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ सिंगर, एज अ डायरेक्टर, कितने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी आप करें? सबसे पहले मैं पूरे टीम को, जितने भी हमारे इस गाने में क्रू हैं, उन सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। इवन स्पॉट बॉय टू प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड एवरीवन, क्योंकि एक के मेहनत से काम पूरा नहीं होता। मैंने दिन रात मेहनत करी है, लेकिन ये क्रेडिट उसको भी जाता है जिसने इसमें चाय तक पिलाया हुआ। अगर वो चाय टाइम से नहीं पिलाते तो शायद ये शूटिंग नहीं हो पाती। तो मैं उन सबको क्रेडिट देता हूँ जिन्होंने इसमें बहुत तन मन धन से मेहनत किया है। और रवि जी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छा काम किया और रैपिंग करी उन्होंने अपनी आवाज़ में। और जिन्होंने लिखा है, सबसे बड़ी बात जो वो चीज़ लिखा गया है, ये किष्किंधा कांड और कौन कौन कहाँ से था, अयोध्या कांड से लिया गया, बहुत सारे जगहों से कुछ कुछ ये लिरिक्स उठाया गया। और वो सारा दारो मदार एक राइटर पे प्रेशर था कि 24 घंटे के अंदर लिरिक्स को बनाना है। 4 घंटे में ये लिरिक्स तैयार किया गया और उसको तैयार करके इतने बड़े पैमाने पर बनाया। जिनका नाम मीनाक्षी जी हैं, वो हमारे बीच अभी अवेलेबल नहीं है और वो किसी कारण बस आउट ऑफ मुंबई हैं, लेकिन बहुत बढ़िया लिखा उन्होंने, वो राइटर हैं, हमारे बीच नहीं है। और हमने अपना प्रयास किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू महक जी को कि महक जी ने इतना बड़ा इसको जो कैप्टन का जिम्मेदारी दिया गया था उन्होंने बखूबी निभाया। इनको थैंक यू सो मच और हम इनके साथ आगे भी काम करना चाहेंगे। बहुत ही अच्छा इनके साथ हमसे मतलब एक रिलेशन ऐसा वाला, परिवार वाला फीलिंग आ रहा है। तो थैंक यू महक जी को और थैंक यू निरंजन सिन्हा जी को जो इसके प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू हमारे मिशाल जी को जो इनके को प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू उन सब को जिनका नाम मुझे दिमाग में नहीं है और मेरे मुंह पे नहीं है, जो लोग भी देखेंगे इनको, मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद कर रहा हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस भव्य गाने के बारे में, इतना बड़ा गाना लॉन्च किया गया? सबसे पहले इट्स अ टीम एफर्ट एंड डेफिनेटली गुड वर्क डन बाय महक मैडम। डेफिनेटली वेल अरेंजमेंट, वेरी गुड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड, एंड एज फार एज दिस production is concerned, definitely he has said so many things about the production. It was very short time, very short span, a lot of a pressure was there, and on those pressures it has come up excellent. When I said excellent means every person involved in the group has given tremendous, has done tremendous job. Their performance was excellent, their presentation was excellent, and that is the reason this song has come up, one of the best song. Thank you so thank you to everyone. Thank you so much. Thank you.